हे गाइस, आपका स्वागत है द टेकी जोन पे। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ हुआवे P40 सीरीज, जो आज लॉन्च होने जा रही है 26 मार्च को। उसके स्पेक्स सारे सामने आ चुके हैं, तो हम आज उन्हीं की बात करते हैं। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हुआवे P40 की बात करते हैं। हुआवे P40 आएगा OLED डिस्प्ले के साथ। 6.1 इंच की डिस्प्ले होगी। लाइका अल्ट्रा विजन ट्रिपल कैमरा के साथ आएगा। 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 700, 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। हुआवे XT फ्यूजन इंजन 4 पिक्चर्स के लिए होगा वो, और फ्रंट कैम होगा वो पंच होल होगा 32 मेगापिक्सल का, और अप टू 30x डिजिटल जूम होगा जो इसके प्राइमरी कैमराज होंगे। इसके अंदर आपको 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो 40 वोट के नॉर्मल जो प्राइमरी जो चार्जिंग सेटअप होता है उसके साथ, और 27 वोट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा, और वायरलेस सुपर चार्ज के नाम से आएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा किरीन 990 5G चिपसेट, जो हुआवे की तरफ से आने वाला सबसे पावरफुल चिपसेट है अभी तक के लिए। और ये 91 मोबाइल और 9X 9Tech 11, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ये फोटो रेंडर किया था काफ़ी पहले का है, तो ये कुछ इस तरह के इसके डिज़ाइन होंगे। काफ़ी फिनिश अच्छा लग रहा है इसके अंदर, और इसके डिज़ाइन कुछ इस टाइप के होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर बात करते हैं। इनके अंदर गूगल की सपोर्ट नहीं होगी। गूगल के ऐप आपको पता है हुआवे और US के बीच में काफ़ी चक्कर चल रहे थे बैन को लेके, तो US ने उस पर बैन लगा दिया हुआवे पे, इसीलिए इसमें गूगल ऐप्स का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। गूगल का प्ले स्टोर भी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, और इसके अंदर आपको सिर्फ हुआवे की तरफ से आने वाली खुद की सर्विसेज मिलेगी, जिसके अंदर हुआवे मोबाइल सर्विसेज के नाम से होगी, और ऐप गैलरी जो इनका प्ले स्टोर होगा। तो ये हुआवे का कुछ चक्कर था उसी कारण, जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके था इसीलिए इस पर बैन लगा था। और ये हुआवे P40 सीरीज में हुआवे P40 कुछ इस टाइप का होगा। आगे बढ़ते हैं, हुआवे P40 Pro 5G की बात करते हैं। हुआवे P40 Pro 5G जो होगा वो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा। 50 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 3D टाइम ऑफ लाइट सेंसर। इन सेंसर्स की बात करते हैं तो हम 50 मेगापिक्सल के अंदर सोनी IMX 700 जो हुआवे P40 के अंदर होगा, प्राइमरी कैमरा होगा ये f1.9 अपर्चर के साथ OIS के सपोर्ट के साथ। इसके अंदर आपको ड्यूल OIS मिलेगा। 40 मेगापिक्सल सोनी IMX 650 सेकेंडरी कैमरा होगा f1.8 के अपर्चर के साथ। 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा f3.4 अपर्चर के साथ आएगा OIS के साथ। 5x डिजिटल ऑप्टिकल जूम, 10x हाइब्रिड जूम, और 50x का सुपर सेंसिंग डिजिटल जूम, कुछ इस टाइप का इसका कैमरा सेटअप होगा। फ्रंट के अंदर इसके अंदर होगी ड्यूल पंच होल सेल्फी, जो कि 32 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी कैमरा प्लस एक डेप्थ सेंसर होगा, वो भी डेप्थ के लिए काम आएगा फ़ोटोज़ के अंदर काफ़ी ब्लरी दिखाने के लिए, जो बैकग्राउंड होगा उसको ब्लर करने के लिए। और जो 32 मेगापिक्सल की जो सेल्फी होगी 32 मेगापिक्सल, उसके अंदर f2.2 का अपर्चर होगा। इसकी कुछ डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के अंदर 6.58 इंच की कर्व्ड एजेस की OLED डिस्प्ले होगी, जो 90Hz डिस्प्ले रेट के साथ रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। ये सिर्फ गेमिंग है कि 120Hz और 144Hz, लेकिन अगर गेमिंग के लिए बात करें तो 144Hz काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, किरीन 990 जो हुआवे की तरफ से सबसे पावरफुल चिपसेट अभी तक का है, 5G है किरीन 990। और इसके अंदर जो बैटरी का सपोर्ट होगा आपको 4200 mAh की बैटरी होगी, जो 40W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 40W फास्ट वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी। ये दोनों फोन्स हुआवे P30 और P30 Pro, जो पिछले साल के जो फ्लैगशिप किलर थे आज भी वो फ्लैगशिप किलर है। नोकिया के जो अभी फ़ोन लॉन्च हुए थे उनको भी वो टक्कर दे रहे हैं, हर फ़ोन को टक्कर देते हैं, और वो आज भी उनका नाम चल रहा है, आज भी वो बिक रहे हैं। लेकिन हुआवे P40 सीरीज़ उनका सक्सेसर है, तो इनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। प्राइस की अभी सामने नहीं है, लेकिन अभी तक ये प्राइस यही सामने आई है कि ये काफ़ी कॉस्टली होंगे, मतलब एक लेवल से बाहर के प्राइस के होंगे, जो P30 और P30 Pro के अंदर था उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्राइस अभी तक की गैसिंग के अकॉर्डिंग है।
तो वीडियो को लाइक देके जाना अगर आपको अच्छी लगी हो। मोर वीडियोस अभी आ रही हैं, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। डू ए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर।